अब देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि महाभारत पर एक लाइव एक्शन मूवी या फिर कोई टीवी सीरीज देखना हर सिनेमा लवर का ड्रीम है, क्योंकि अगर इसे तमीज से बड़े पर्दे पर उतारा जाए तो इस पर एक बेहतरीन सी मूवी बन सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी ने महाभारत को लाइव एक्शन में अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उन्हें इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जैसा कि बजट, इसकी मेकिंग में लगने वाला टाइम और सबसे बड़ी दिक्कत थी कास्टिंग की, क्योंकि महाभारत कोई छोटा मोटा इवेंट तो है नहीं। जिस किसी भी एक्टर को इसमें काम करने के लिए कास्ट किया जाएगा उसे इसमें काफी लंबा टाइम देना पड़ेगा, और यही रीजन है कि इस पर कोई लाइव एक्शन मूवी या फिर कोई लाइव एक्शन टीवी सीरीज अभी तक नहीं बन पाई है। बट अभी हाल ही में इसको लेकर एक काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि खुद रिवील करी है द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने, एंड वो इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन देते हैं कि वो महाभारत पर लाइव एक्शन मूवी बनाएंगे जिसके कुल 3 पार्ट होंगे, एंड ये मूवीज बेस्ड होंगी पर्व एंड एपिक टेल ऑफ धर्मा नाम की बेस्ट सेलिंग बुक के ऊपर। जिसके बाद अगर बात करें इस बुक के बारे में तो इसे लिखा है पद्म भूषण सम्मानित डॉक्टर एस एल भैरप्पा ने, एंड इसे मास्टरपीस ऑफ मास्टरपीसेस कहा जाता है। इस बुक का मेन सेंटर है कुरुक्षेत्र वॉर, एंड ये फोकस करती है कुंती, भीष्म, द्रौपदी और अर्जुन के पास्ट के ऊपर। हालांकि इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये बुक एस एल भैरप्पा की सबसे ज्यादा डिबेटेबल और पॉपुलर बुक है, यानी कि आसान भाषा में ऐसा कहा जा सकता है कि ये बुक इन 3 मूवीज का मेन सोर्स मटेरियल होने वाली है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि विवेक अग्निहोत्री खुद इस मूवी की कहानी को लिखने वाली हैं, एंड इसे बनाएंगे भी वो ही, और मूवी को प्रोड्यूस करने वाली है पल्लवी जोशी। हालांकि अगर देखा जाए तो ये इनसे पहले इन मूवीज को प्रोड्यूस कर चुकी हैं, जैसे कि द टस्किन फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स एंड द वैक्सीन वॉर। अब इस मूवी का बजट क्या होने वाला है, कास्टिंग में कौन कौन है, तो इसके बारे में अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। बस फिलहाल के लिए इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि इन मूवीज पर काम चालू हो चुका है, विच मींस ये अभी भी अपने अर्ली डेवलपमेंट फेज में हैं। जिसके बाद सवाल निकल के आता है कि आपको ये मूवीज कब तक देखने को मिल पाएगी, तो देखो फिलहाल के लिए किसी भी ऑफिशियल डेट को कंफर्म नहीं किया गया है, पर फिर भी एक रफ आइडिया के लिए मान सकते हो 2025 का एंड या फिर 2026। बाकी आगे इसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, एंड आप में से इसे देखने के लिए कौन कौन बहुत ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहा है तो नीचे #महाभारत मूवी कमेंट करना मत भूलना।